नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। मैं हूं मनीष कुमार झा। आइए पढ़ते हैं खबरों को, जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगह से भेजी खबरों में से किन खबरों को प्राथमिकता दी है। प्राथमिकता के आधार पर हम आपको पहला खबर दिखाते हैं, जिसमें खबर हजारीबाग से है, जहां आज अल्ले सुबह बरका गांव रोड में हुए दो सड़क हादसों में एक की मौत, दो घायल। क्रोधित ग्रामीण ने किया सड़क जाम, वाहनों का लगा रहा 2 किलोमीटर तक कतार। 5 घंटे की कड़ी मकसद के बाद कटकम दागा प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलको के प्रयास व आश्वासन पर ग्रामीणों ने हटाया सड़क जाम। स्थानीय नवादा के मोहम्मद सवीर के रूप में हुई मृतक की पहचान। परिजनों को 10,000 रुपए व प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने का मुआवजा। बताया जाता है कि अल्ले सुबह मोहम्मद सवीर नवाज पढ़ने जा रहे थे, उसी समय अज्ञात पान ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना स्थल पर ही इनकी मौत हो गई। दूसरी घटना के बारे में बताया गया कि बरका गांव घाटी में तेज गति से जा रहे सांतवा ने कार को टक्कर मारी, जिसके पीछे आ रहे 2 मोटरसाइकिल सवार भी चपेट में आ गए। गलीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए भेज दिया है। आइए आपको सुनाते हैं पूरा मामला। देखिए, उसी के हम आए तो देखे कि दो व्यक्ति जख्मी है, जख्मी को इलाज है तो बरका गांव सदर अस्पताल भेजा गया है। और जो बोलेरो और दो बाइक में जो चक्कर हुई थी, बोलेरो के चालक फरार हो गए और गाड़ी को ले थाना पे ले जाया जा रहा है। जख्मी को इलाज के लिए कार्रवाई हुई थी, बरका गांव थाना में सब इंस्पेक्टर आश्वासन दिया है। आपने यहाँ पर जो मांग है रोड एक्सीडेंट का जो मुआवजा है, इसका जो प्रावधान है उसके अंतर्गत इसका जो आवेदन प्राप्त होगा उसके आधार पर हम लोगों को 1 लाख का आवेदन जो आएगा उसके लिए हम उसको आगे का प्रोसेस मिलेगा। दूसरी आवास के लिए का कहना है कि परिवार काफी गरीब है और पूरी तरह से उनको आश्रित ऐसे में हम लोग इनको आवास योजना के लिए पार्टी हम लोग का गार्जियन थे मोहम्मद साबिर जी, इनका नाम वो नवादा करने वाले हैं और हम लोग झगड़ा किया है। और ये बहुत सज्जन आदमी थे, सुबह सुबह 4:45 के बीच में जाते नमाज पढ़ने के लिए। उसी के दौरान उसी समय में कुछ मतलब कोई गाड़ी, हम लोग का अनुमान है कि कोई बारात वाला गाड़ी है जो होगा मारा होगा। अब फुटेज हम लोग सीसी फुटेज निकाले पेट्रोल पंप से भी और एक स्टेट बैंक है यहाँ भी उससे निकाले। अज्ञात वाहन ने मारा, हम लोग तो देखा ही नहीं किसी में, पीछे मंदेला भी था और था भी नहीं। ये हम लोग का अनुमान जो सबसे साइकिल में या बगल में फूल गिरा हुआ है उस हिसाब से लगता है कोई बराती गाड़ी है मारती चला गया। मुख्य मांगे क्या क्या? मुख्य मांग जो सरकारी नियम कानून के दायरे में हो वो होना चाहिए, वो मिलना चाहिए और जो उसको चले उसके बाल बच्चा भी है और गरीब आदमी भी है, सारे लोग हम लोग यहाँ उठे हैं, गरीब हैं। कितने कम मुआवजा कम मांगे सरकार से? तो मुआवजा कम से कम तो अभी फिलहाल में हम लोग को 5 लाख तो मिलना चाहिए इनको मुआवजा, जैसे इंद्रावास भी हो। सरकार प्रधान का एक नियम आया है, तो भारत सरकार का कुछ रूल है ऐसा, तो पूरा पढ़े नहीं लेकिन कुछ 5 लाख ऐसा नियम है उसे मिलना चाहिए। हम लोग करेंगे, अभी जो पदाधिकारी आए हुए कुछ आएंगे और हम लोग सरकार या प्रशासन से कोई हम लोग का दिक्कत नहीं है ना, हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारे पास आए और बात करे हो, ठीक है। और जो हम लोग को किसी तरह से किसी पब्लिक को या किसी को खलल पहुंचाने का काम नहीं है, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसी आधार से जो नियमता है उस पर बात करें और इनका काम किया जाए। आश्रित कौन कौन लोग थे?